हाँ भाई सिंह को कर लो तैयारी, अब आएंगे हम भी इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे और अपने सभी साथियों से मिलेंगे वहां पे। इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे किसका, सबको पता है, आ रहे हैं डिब्रूगढ़ जेल से भाई बाहर, आ रहे हैं डिब्रूगढ़ जेल से बाहर। सरकार ने कन्फर्म किया, हमने तो नहीं किया भाई, सरकार ही कन्फर्म कर रही है, आपको बताएंगे पूरा, थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले कल गोल्डन डे मनाया जा रहा है भाई, अपना जो सारागढ़ी का युद्ध हुआ था ना, आपको उसका इतिहास बताया था पूरा, जो हल्दार ईश्वर सिंह की अगुवाई में जो अपने 21 सिख योद्धा जिन्होंने लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त किया था, 10,000 अफगानियों के साथ लोहा ले दिया था, अड़के खड़े हो गए थे। सिख अड़ना खड़ना और लड़ना अच्छी तरीके से जानते हैं, उन सिख योद्धाओं ने वो इतिहास बनाया था जो दुनिया के 5 बड़े युद्धों में शामिल किया जाता है इसको, कि ऐसा युद्ध हुआ था, 21 सिखों ने एक ऐसा इतिहास बना दिया था। कल उसका गोल्डन डे मनाया जा रहा है, जो 36वीं अपनी सिख रेजिमेंट है अपने को इनवाइट किया था, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का, सभी सिख संगता भी उनका कल गोल्डन डे मनाएंगी, जो हल्दार ईश्वर सिंह की अगुवाई के अंदर अपने 21 सिख योद्धा 10,000 अफगानियों को धूल चटा दी थी, उसका गोल्डन डे मनाया जा रहा है कल। पूरी सिख संगत को सभी को बहुत बहुत बधाई और 36वीं सिख रेजिमेंट को बिल्कुल बहुत बहुत बधाई, आपने इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं अमृतपाल सिंह खालसा की, उस युद्ध का अगर इतिहास देखना है तो उसका आपको हो तो लिंक डाल दें, पूरा एक एक बात बता दी थी और अपनी किस्मत इतनी अच्छी थी। देखो उस 21 सिख योद्धाओं में नंबर 2 पे थे नायक साहब सिंह, नायक साहब सिंह की पड़पोती का अपने पास फोन आया था, अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता है हम, बहुत किस्मत वाला कि इतने बड़े योद्धा की पड़पोती का फोन आना कोई छोटी बात नहीं होती है। उन सिख योद्धाओं को कुछ लोग कहते हैं वो गुरु के सच्चे सिंह थे जिन्होंने कभी गुरु को पीठ नहीं दिखाई, लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए लेकिन एक इतिहास बना के चले गए, ऐसा इतिहास जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, स्वर्ण अक्षरों में, जिसको कि तरणतारण के अंदर गुरुद्वारा साहिब भी बनाया गया है उनकी याद में, और सारा का सारा जो पत्थर था ना संगमरमर का पत्थर, वो सारा का सारा सारागढ़ी से लाया गया था, पूरा पत्थर वहीं से लाया गया था जहां पे वो योद्धा लड़े थे, लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे। फिल्मों में कभी सच्चाई नहीं दिखाई जाती, इसलिए आपको कहते हैं फिल्में समाज का आईना नहीं होती, समाज का आईना इतिहास होता है, इतिहास को मिथिहास बनाने की कोशिश मत करो। अब बात करते हैं अमृतपाल सिंह खालसा और उसके साथियों की, जो कि 18 तारीख को क्यों होगा उसका आपको बताएंगे, उसका पहला प्रूफ देंगे आपको, ध्यान से सुनना, बात ना लॉजिक पे होती मैजिक पे नहीं होती, मैजिक पे बात करने के लिए हमने बिठा रखे हैं मंडियार मंडिया के दलाल, मैजिक की बातें करते हैं, कभी लॉजिक की बात नहीं करेंगे, ठीक है। आपको पता है आतंकी फंडिंग मामले में सांसद इंजीनियर राशिद को 2 अक्टूबर तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी गई, अंतरिम जमानत दे दी गई है। अब इसका मामला भी आप सबको पता है, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद शेख राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को आतंकी फंडिंग मामले में 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी है। राशिद को 2017 में एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था, इसके बाद 2019 में राशिद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। राशिद ने 18 सितंबर 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने वाले आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की करते हुए अदालत का रुख किया था। राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख लंगेट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि उनका कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने कश्मीर में आतंकी समूह और अलगाववादियों को कथित तौर पर फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने इस मामले में कश्मीर उग्रवादी नेता यासीन मलिक लश्करे तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। यासीन मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आपको पता होगा ये भी अभी सांसद बना था, तो इसने जब जमानत की एप्लीकेशन लगाई थी तो ये बोलते नहीं मिलेगी जमानत, और यूएपीए का केस लगा रखा, ये तो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इतने बड़े बड़े उनके साथ इसके आतंकवादी संगठनों के साथ इसके संबंध साबित हुए हैं। अमृतपाल का तो साबित नहीं हुआ ना, कुछ भी साबित नहीं कर पाई, ना पंजाब गवर्नमेंट साबित कर पाई, ना सेंट्रल गवर्नमेंट साबित कर पाई। 18 तारीख को जब सुनवाई होगी उसी दिन साथ के साथ जमानत भी बाहर आ जाएगा, जमानत पर वो केस भी रफा दफा मेरे भाई, उस केस को पहले ही कोर्ट बोल चुकी है कि अगर किसी के पास मोबाइल मिलता है, क्योंकि ये जो 1 साल का और एनएसए पढ़ाया गया था ना, ये इसलिए पढ़ाया गया था कि अमृतपाल और उसके साथियों के पास मोबाइल फोन मिला था, वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने पहले ही बोल दिया कि मोबाइल फोन मिलने से ना आप उसके ऊपर एनएसए नहीं लगा सकते, या उसको आप आतंकवादी नहीं बोल सकते, नहीं तो उसको एसटीडी की सुविधा मुहैया करा जाए, वो अपने घर वालों से बात कर सके। दूसरी बात, कोर्ट ने यह भी बोला था अगर ना याद हो तो याद दिलाना बहुत जरूरी होता है, कि कोई आरोप साबित नहीं होता इसके ऊपर, कोई भी आरोप भगवंता
कहां गया? तूने तो बोला था इसको एक बच्चे को ट्रेनिंग देने के इतने पैसे मिलते हैं, बाहर से फंडिंग मिलती है, पैसा कहां गया भगवंता? पैसा कहां गया वो? तूने तो उन किसानों के ऊपर भी एनएसए लगा दिया जो तेरा ही सपोर्ट कर रहे थे, उनके ऊपर भी लगा दिया एनएसए। तेरा तो बेड़ा ही गर्क है झाड़ू, बेड़ा ही गर्क। सही में खोते हैं रे, कुछ लोग खोते होते हैं, कुछ लोग बुच्चड़ होते हैं, इनको ना सिंग आ जाने चाहिए। अगर सिंग आ जाए ना दूर से पहचान हो जाए कि ये वो खोते हैं जिनके सिंग लग जाते हैं। खोते और बुच्चड़ों की अगर पहचान करनी हो ना तो ऐसे पहचान होती है, ऐसे पहचान होती है। दूसरी न्यूज चलाई जा रही है मंडिया और उसके दलालों के द्वारा, झूठी न्यूज चलाई जा रही है। भाई अमृतपाल सिंह और उसके साथियों का आपस में झगड़ा हो गया। कौन सा झगड़ा हो गया भाई, कौन सा झगड़ा हो गया? बोला दलजीत कलसिंह और अमृतपाल सिंह की बोलचाल बंद। इनको इतना पता रहता है क्या जेल के अंदर क्या हो रहा है? कहां से पता लगता? पूछे बोले सूत्रों के वाले से खबर मिली थी। तुम्हारे सूत्र किसी दिन ना कुटाई का कटापा खा लेंगे, तुम्हारे सूत्रों का इलाज कर देंगे। फिर कहोगे सिख ऐसे करते हैं, अब वो फलाने ऐसे करते हैं, मेरे ऊपर तो मिल जाओ लगाते रहो, सिख मेरे को बोलने के पैसे देते हैं, है ना, बोलने के पैसे देते हैं। तुम लगे रहा करो, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, पहले ही बताया था। वैसे इंटरव्यू लेने जाओगे क्या अमृतपाल सिंह का? बता तो देना मंडिया और उसके दलालो, इंटरव्यू लेने जाओगे क्या? जाओ तो गे तुम, पता है हमारे को, जाओगे तुम इंटरव्यू लेने जाओगे। अब अमृतपाल भी पूरी तैयारी करके बाहर आएगा, पूरी तैयारी करके आएगा आपकी बात, तुम्हारे को ना ठोक के जवाब देगा, ठोक के। क्यों? क्योंकि वो जवाब अमरीका से आ गया, अमरीका के वर्जीनिया से जवाब आया है। सुन तो लिया होगा ना, पेट में दर्द तो होया होगा तुम्हारे, पेट में दर्द तो होया होगा ना भाई। रेफरेंडम भी हो सकता है, मोटा मोटा बता रहे हैं आपको, रेफरेंडम भी हो सकता है, वो भी इंडिया में। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर होगा खालसा राज, फिर होगा संयुक्त पंजाब। पहले ही बताया था तुम्हारे को, इतने आराम से इतने प्यार से समझाया, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। अब समझ में आ गया तुम्हारी में, अब बड़ा समझ में आ गया। ये कौन सी उसमें चल रहे हो? जब तुम्हारे को बताया तुम बड़े देशभक्त बन जाते हो, ये तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो फिर मणिपुर में क्या हो गया? तिरंगा उतार के अपना झंडा लगा दिया, सुना है राष्ट्रगान भी बजा वहां पे। ना 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 ना, तुम्हारा जनगणमन नहीं बजा, राष्ट्रगान बजा, लेकिन वहां पे वो कौन बजा गया? वो कौन बजा गया? कहीं उन पर नजर नहीं, लेकिन तुम्हारी नजर आएगी हरियाणा और पंजाब में क्या हो रहा है ना। यहां पर लगा तो झूठे केस, लगा तो झूठे आरोप है, कितने लगाओगे? झूठ झूठ होता है और सच सच ही होता है, और सच सामने आता है। दोबारा फिर से सारा गड्डी के जो गोल्डन डे मनाया जा रहा है कल, पूरी सिख संगतों को, सभी को, 36 सिख रेजिमेंट को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाइयां। चिंटू बधाई तो दे दिया करो, बधाई तो दे दिया करो, एक ऐतिहासिक दिन है ये, ऐतिहासिक दिन, उन योद्धाओं का, उन सुरमाओं का दिन है ये, जिनका इतिहास पढ़ाया जाता है। ना 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 ना, अपनी किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, अमेरिका जो बड़े बड़े देश हैं उनका एजुकेशन हाई फाई है, वहां पे पढ़ाया जाता है। ये भी तुम्हारे को बताया था लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया था। सारागढ़ी का युद्ध का इतिहास पढ़ाया जाता है कि ऐसे सुरमा बनने चाहिए, ऐसे योद्धा बनने चाहिए बच्चे, वो पढ़ाया जाता है। अफगानियों के जहाज में चढ़ा दिए थे अफगानी, 10,000 अफगानी जहाज में बिठा दिए थे 21 सिख योद्धाओं ने, इसलिए तो बोला गया 1,25,000 से एक लड़ाऊं ता गुरु गोविंद नाम धराऊं, ठीक है, तभी बोला गया, ऐसे नहीं बोला गया है। गुरु गोविंद के सच्चे पुत्र हैं ये, अड़गे खड़गे और लड़गे, और तुम यहाँ चिंटूगिरी करते रह गए। चिंटूगिरी तो मेरे छोटे छोटे पपीज एंड चिंटू मिंटू, थोड़ा अपने आप में सुधार करो, नहीं सुधार करोगे तुम्हारा सुधार हम कर देंगे तुम्हारा सुधार। वैसे चले जाना इंटरव्यू लेने के लिए, चलो मेरे से पहले ले आना, तुम हमारे से पहले इंटरव्यू ले लो, हम तो आराम से ले लेंगे इंटरव्यू। आप लोगों की क्या राय भाई, अपनी राय रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।